हेलो दोस्तों, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अब जस्ट अपडेट आया है दोस्तों, झारखंड जेपीएससी द्वारा जो है वो एडमिट कार्ड निकालने के संबंध में। इस वीडियो में हमें इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन को नीचे दबा लीजिए जो झारखंड लाइव में नए हैं। ठीक है, आगे हम इस बात करने वाले हैं कि आपको जो है वो कैसे डाउनलोड करना है इसमें से एडमिट कार्ड। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलिए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जेपीएससी का ये विज्ञप्ति संख्या है जो 2016 का, ये है मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो कब कब किस तारीख में कौन सा पेपर होगा। ठीक है, तो संयुक्त सैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2016 रांची जिला मुख्यालय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 28/1/2019 तक कार्यक्रमानुसार निर्धारित है। ठीक है, तो यह जो नीचे डेट दिया गया है उसके अनुसार यह होगा। प्रथम पत्र जो होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा वो 28 को होगा और जो द्वितीय पत्र है वो उसी दिन उसी तारीख को 28 तारीख को ही सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। फिर बात करते हैं तृतीय थर्ड पेपर जो होगा वो आपका तीसरा जो पेपर होगा वो 29 तारीख को होगा। ठीक है, और चौथा पेपर जो होगा फोर्थ पेपर होगा वो 30 तारीख को होगा और फिर पांचवा जो पत्र हो पेपर जो होगा आपका, ठीक है, वो 31 तारीख होगा फिफ्थ पेपर और जो छठा पेपर है सिक्स्थ पेपर है आपका वो शुक्रवार को ले लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए संबंधित अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए करना है यहाँ पर। ठीक है, तो परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, आपको डाउनलोड करना होगा, www.jpsc.gov.in पर जाइएगा और वहां पर एडमिट कार्ड अपना रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डालने का जो स्टार्ट डेट है वो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आपका 17/1/2019 से लेकर डाउनलोड होगा। ठीक है, आज 16 तारीख है तो आप कल से डाउनलोड कर सकते हैं 17 तारीख से। ठीक है, प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की नहीं की स्थिति में आपको क्या करना है, फ़ोन करना है अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो। ठीक है, और फिर दिनांक 25/1 के तक ये आपका लिंक जो है वो रहेगा वहाँ पर, 25/1 तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 25/1 तक आप लोग अगर नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो अपने ऑफिस, अपने नाम पता जो भी है वहाँ पर JPSC के ऑफिस में कार्यालय में जा सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 25 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अगर आपका डाउनलोड नहीं हुआ तो आप JPSC ऑफिस जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप अपनी एडमिट कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको प्रवेश पत्र जब एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, ठीक है, वो हम बता देते हैं आपको। आपको दो स्टैम्प साइज फ़ोटोग्राफ ले लेना है। ठीक है, दो ठीक है स्टैम्प साइज फ़ोटोग्राफ आपको ले लेना है। ठीक है, और आपको क्या जाएगा, OMR सीट आपको दी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, आपको वहाँ पर OMR सीट दी जाएगी यहाँ पर और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो भी आपका आंसर है वो OMR सीट में आपकी ली जाएगी। ठीक है, और कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सामान गैजेट जो है वो नहीं ले जाना है। ठीक है, अनुमति नहीं दिया जाएगा आपको। फिर हम बात करें अभ्यर्थियों को सभी पत्रों की परीक्षाएं सम्मिलित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा मुख्य परीक्षा की मेधा सूची में से अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया सकेगा। आपको सभी पेपर का पेपर लिखना होगा। ठीक है, तभी जाकर आपका रिजल्ट जो है वो बन सकता है और ये आपको jpsc.gov.in पर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब जो बटन लिखा है उस पर से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और झारखंड लाइव के साथ बने रहिए दोस्तों।